तो जी इधर बॉयल करने के लिए दूध चढ़ा दिया है गैस पे मैंने, और इधर मैंने चढ़ाया है कढ़ाई। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट के लिए बना रही हूँ उपमा, वेजिटेबल उपमा बना रही हूँ। ये देखिए सारी सब्जियां मैंने कट कर ली हैं, और इधर ले लिया सूजी। तो पहले सूजी को भून लेते हैं। तो मैं अपने मैं वेट लॉस जर्नी पे हूँ, तो उस हिसाब से मैं एकदम थोड़ा सा ऑयल में बनाऊंगी, लेकिन अगर आप नॉर्मली खाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से ऑयल आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए डाल दिया है सूजी। तो इसे बहुत ज्यादा नहीं भूनेंगे हम, ऐसे उपमा सभी घरों में सभी जानते हैं बनाने के लिए, लेकिन जैसे मैं बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सूजी भूनते भूनते प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में लाइक शेयर और कमेंट आप जरूर कीजिएगा। तो जी सूजी भून चुका है, बहुत ज्यादा इसका कलर नहीं चेंज करना है, बस हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं फटाफट। तो ये देखिए मैंने एक चम्मच सिर्फ ऑयल डाला है। इसमें पहले मैं ये मूंगफली रोस्ट कर लेती हूँ, और इसके बाद जो वेजिटेबल्स है मैं इसी में बनाऊंगी। तो मूंगफली को रोस्ट करके निकाल लिया है। अब इसमें सबसे पहले मैं राई डाल दूंगी, और इसके बाद कढ़ी पत्ता, और इसके साथ जो थोड़ी थोड़ी सब्जियां हैं वो डालूंगी। तो सबसे पहले मैं डाल देती हूँ राई, कढ़ी पत्ता और थोड़ा सा अदरक। ये देखिए मैंने इसे कद्दूकस करके रखा है, आप चाहे तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो डाल दिया है अदरक, और इसके बाद डाल दिया है लगभग 2 से 3 हरी मिर्ची कट करके। और अब इसके साथ जो भी सब्जियां मैंने कट की हैं, ये देखिए गाजर, शिमला और प्याज, तो मेरे पास फिलहाल यही सब्जियां अवेलेबल थी, तो मैं यही डाल रही हूँ। इसके अलावा भी कुछ सब्जी आपको अगर पसंद है जैसे मटर उटर, तो आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए सारी सब्जियां मैं डाल चुकी हूँ इसमें, और इसके साथ नमक ऐड कर दिया है धीमी आंच में। बस इसे हम 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। इसे बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, सब्जियों का क्रंचीपन बने रहे, इसलिए बहुत ज्यादा इसे हम नहीं पकाएंगे। तो मैं इसे ढक देती हूँ। तो चलिए ढक्कन हटा के देखते हैं। लगभग 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं। और एक बात, इसमें मैंने चना दाल और उड़द दाल को स्किप कर दिया है, लेकिन अगर ऑथेंटिक रूप से लोग बनाते हैं तो चना दाल उड़द दाल जरूर डाला जाता है, लेकिन मैंने स्किप किया है। अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हर घर में अलग तरीके से बनता है, तो मैं भी थोड़ा अलग तरीके से ही बनाती हूँ, जो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। अब इसमें मैं 1 गिलास पानी ऐड कर दूंगी, और पानी में जब बॉयल आएगा इसके बाद जो सूजी मैंने भून करके रखा है वो डालूंगी। तो आ गया है बॉयल। अब इसमें मैं डाल देती हूँ सूजी, और सूजी डालने के बाद इसे धीमी आंच पे ढक देंगे। बस 1 से 2 मिनट में ये रेडी हो जाएगी, और सबसे लास्ट में ऐड करेंगे हम ये मूंगफली। तो गर्मा गर्म एकदम यमी यमी सा उपमा रेडी है। तो जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है ही, लेकिन जो लोग बहुत जल्दी में रहते हैं, जिनको जल्दी ऑफिस जाना है, या बच्चों का टिफिन या लंच बॉक्स में भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि काफी हेल्दी होती है और एकदम जल्दी से बन भी जाती है, लगभग 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाती है। तो बस फटाफट मैं नाश्ता करती हूँ, और इसके बाद फिर मैं दोपहर के लंच की तैयारी करूंगी। तो लंच में क्या बनाऊंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और इसके साथ मैं आपको दिखा देती हूँ कि वॉशिंग मशीन में मैंने डाल दिया है कपड़े धुलने के लिए। और आज थोड़ी बहुत ज्यादा गर्मी की हुई है, तो देखते हैं शाम में जरूर बारिश होगी जिस तरह से मौसम है। तो खाना हो चुका है रेडी, दिखा देती हूँ। इधर है आलू की भुजिया, साथ में है मसालेदार परवल। ये देखिए ये आज रोटी बन रही है, उसके साथ ये ड्राई ड्राई सब्जी बनी है, और साथ में इधर बना है
सोयाबीन पुलाव, ये देखिए। तो रोटी और चावल दोनों होगा आज। तो आज हमारे घर का यही लंच है। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो जी, सो के मैं उठ गई हूँ। आज 15 अगस्त, तो ऐसे भी अनुज की छुट्टी है, उसके पापा की भी छुट्टी है, तो बहुत लेट से सारे काम हो रहे हैं। तो अभी जस्ट उसके पहले मैंने चाय चढ़ाया है, तो मैं दिखा देती हूँ आपको। तो इधर मैंने चाय चढ़ा दिया है गैस पे, और इधर मैंने अपने लिए पानी गर्म किया है चिया सीड में थोड़ा मिलाने के लिए। तो आज का ब्लॉग बस इधर छोटा सा ही रख रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।